भाई अच्छा ये हमारे पास एसी है 110 का 410 का है। हम आपको बताते हैं कि इसका कंप्रेसर चेंज करना है। अगर आपके पास गैस बत्ती नहीं है बड़ी वाली तो आप छोटी ये गैस बत्ती से भी चेंज कर सकते हैं। ये जो हैंड टॉर्च है ना इससे भी आप चेंज कर सकते हैं इजीली। हम आपको तरीका बताते हैं क्योंकि अगर कहीं दूर है ऊपर है गैस बत्ती नहीं चढ़ा सकते तो इससे भी आप चेंज कर सकते हैं इजीली। तो कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हमारा पुराना कंप्रेसर ख़राब है, ये हमने नया ला कर रखा हुआ है, ठीक है। ये हमने खोल लिया हुआ है, इसको बाहर निकालते हैं। सिंपल तरीका है, इसको पहले निकालें, बाहर खोला हुआ हमने ऑलरेडी पाइप काट के, इसकी वेल्डिंग नहीं निकालनी क्योंकि इससे वेल्डिंग नहीं निकलती। ये जो गैस बत्ती है इससे वेल्डिंग नहीं निकलती, इसको काट लेना ऊपर से। उसके नीचे स्क्रू लंबे हैं इसलिए इसको रबड़ पुराने के लगा रहे हैं। ये हमने रख लिया। इसमें मेन काम जो है वो ये है कि आपने इसकी ये जो वेल्डिंग है ना कंप्रेसर के साथ वाली, जो आप कंप्रेसर के अंदर पाइप लगता है, वो आपने दुकान से करके ले जानी है ये बड़ी गैस बत्ती से, क्योंकि इस गैस बत्ती से वो नहीं होती, हो जाती है लेकिन मुश्किल होती है। इसलिए आपने ये वाली वेल्डिंग इधर से एक पाइप का पीस लगा के दुकान से वेल्डिंग करके ले जानी। दूसरा भी इसे डिस्चार्ज का भी सेम इसी तरह, ठीक है। और अभी इसको हम रख के इसके अंदर आराम से आपको वेल्डिंग करके दिखाते हैं कैसे लगता है। इसको आप साफ कर दें, ये थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको काट के छोटा कर लेते हैं। हमने लगाया है पीस लेकिन ये थोड़ा ना बड़ा हो गया इसलिए इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, या इसको कर लेते हैं ऊपर की जानब से बड़े ही बड़ा। इट्स वेरी इजी, अगर कहीं दूर आप हैं ऊपर छत पे ज़्यादा ऊपर हैं, ऊपर सीढ़ी नहीं है चढ़ने का या मुश्किल है, गैस बत्ती नहीं आ सकती आपकी या वैसे वो तो वैसे वजन ज़्यादा होता है, तो इससे आप आराम से चेंज कर सकते हैं बिना टेंशन के, क्योंकि यही दो वेल्डिंग लगानी है थी। ये हैंड टॉर्च है, ये छोटे मोटे पाइप के लिए तो बेस्ट है जी। पाइप कट गया हमारा, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि वेल्डिंग अच्छी हो जाए और जल्दी हो जाए। ये देखो अंदर आ गया, और अब इसको ये पाइप हमारा हो गया बड़ा, पहले के कंप्रेसर के हिसाब से बराबर था इसलिए हम इसको काट लेते हैं। तो ये हमारे नेताजी ने टेढ़ा कर दिया, हम सीधा कर लेते हैं इसको। आप ऐसे करें यहाँ से काट लें,
थोड़ा इसको काट रहे हैं, थोड़ा उसको काट रहे हैं, ताकि काम चल जाए। इसको यहाँ से काट सकते हैं आराम से, इधर ट्यूब कट छोटा इसलिए टाइम लग रहा है, क्योंकि बड़ा इधर घुमाने की जगह नहीं है। अब इसको स्विचिंग करने के लिए नोज प्लस घुमा रहे, और कुछ नहीं है। ये देखें हमारी वेल्डिंग है एकदम परफेक्ट हो चुकी है, ये देखें। ठीक है जी, बस ये वेल्डिंग की इशू था वो हो गया। अब हम आपको इसको फिट करके, और इसको वैक्यूम पंप तो नहीं है, बिना वैक्यूम पंप के आपको इसमें गैस डालने का भी तरीका बता देते हैं। अच्छा, तो गए ये हम इसमें गैस चार्जिंग करने लगे हैं, वैक्यूम पंप नहीं है हमारे पास, ये 410 हमारे पास। ठीक है, ये हमारी गेज है, हाई प्रेशर में हमने लगाई हुई है। ठीक है, अब वैक्यूम पंप नहीं है तो आपने इसको जो डिस्चार्ज पाइप है इसको ऊपर से खुला रखना है, ये देखें पकड़ो। ठीक है, यहाँ से गैस खोल लेनी है आपने, जैसे गैस खोलनी है ये देखें, यहाँ से भी निकल रहा है।
और बंद कर दें ताकि उसकी हवा निकल के पूरी। जी जी इतना काम था। अब इसमें गैस चार्ज कर लेते हैं इसको ऑन करके एसी को, क्योंकि ये ऑन नहीं है एसी ना अभी। अच्छा तो गाइस हमारा एसी ऑन हो चुका है, हमारी गैस अभी इसमें है, अभी तो जीरो पे है, इसके अंदर है 3.0 अभी लाल। अभी इसमें गैस चार्जिंग करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है। इसके टोटल एम्पेयर है इधर लिखे हुए हैं, ये 5.6.5 से 7.9 तक है। ठीक है तो ये देखते हैं अब हमारा कहाँ तक चलता है गैस पूरी होने में। अभी तो गैस हमारी हो गई है इसमें। अच्छा एक और बात, आपने इसमें लिक्विड नहीं डालनी, बहुत से मैकेनिक हमारे वो लिक्विड डाल देते हैं, बिना लिक्विड के इसको रीफिल करना है, क्योंकि लिक्विड के दो तीन मुश्किल होती हैं। एक तो आप लिक्विड डालते हैं तो उसका आपको साइज़ नहीं, मतलब कि उसका प्रेशर नहीं पता चलता कितना, क्योंकि वो गर्मी में ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप खाली गैस डालेंगे तो एक तो उससे आपके एम्पेयर नहीं फटाफट बढ़ेंगे, दूसरा आपका जो उसका प्रेशर है ना वो आपको एग्जैक्ट बताएगा। अगर आप रात को डाल रहे हैं तो सुबह तक गर्मी दोपहर में भी इतना ही फ़र्क पड़ेगा, 5 पाउंड तक बस। अगर आप लिक्विड डालेंगे तो ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, वो आपको मतलब कि सही आइडिया नहीं रहता, इसलिए आपने लिक्विड नहीं डालना। और दूसरा लिक्विड डालने से डायरेक्ट कंप्रेसर पे लोड पड़ता है, ठीक है, ये आपने बात ध्यान में रखनी है। बहुत से मैकेनिक अगर बोल नहीं नहीं लिक्विड डालो, देखिए अभी हमारी गैस हो गई है तकरीबन 50 हो गई है, ठीक है गैस 50 है, और हम हमारे एम्पेयर जो हैं वो 4.5 जो हैं 4.6 हो गए, ठीक है। और सामने इंशाल्लाह गैस भी हमारी पूरी होने तक हमारे एम्पेयर भी बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाए, लेकिन ये हमने कंप्रेसर चेंज किया है, हो सकता है इसके एम्पेयर थोड़ा फ़र्क रहे, ज़्यादा या कम रहे थोड़ा, क्योंकि ये तो जो एम्पेयर लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, ये जो एम्पेयर है ये तो वो पुराने कंप्रेसर के थे जो इसका ओरिजिनल आता है, लेकिन अभी हमने चेंज किया कंप्रेसर। हमारा प्रेशर गैस का कम हो रहा है, ये भी हमारी 100 हो गई है, ये आप देखें 50 तो ये 100 से नीचे ही है, तकरीबन 80 तक है, 100 हो गई नहीं। हमारे एम्पेयर जो हैं वो अभी 5 तक ही हैं, क्योंकि हमारे सिलेंडर में गैस थोड़ी कम है, इसलिए प्रेशर इसका भी कम है। इसका अभी सिलेंडर का प्रेशर जो है वो 170 तक जा रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा गैस पूरी होने में। हाँ जी गाइस तो ये हमारी गैस कंप्लीट हो चुकी है, ये हमने सिलेंडर खोल दिया है, ये देखिए हमारा प्रेशर गैस का इस टाइम तकरीबन 140 तक है, 135 तक है, ठीक है। तो ये हमारी आप देखें सेक्शन पे तकरीबन पानी आया हुआ है ठंडा होने की वजह से, तो ये हमारे एम्पेयर आप चेक करें, इसलिए ये 5.7 पे चल रहा है इसका 5.6, ठीक है, मतलब हमारा फर्स्ट क्लास चल रहा है अभी उसी, और इंशाल्लाह चल पा रहेगा।